हल्द्वानी में गर्मी आते ही पेयजल की किल्लत भी शुरू हो गई है। लोगों को पेयजल के लिए सिंचाई विभाग के ट्यूबवेल पर ही निर्भर होना पड़ता है। देखा जाए तो पिछले कई सालों से पेयजल की समस्या से जूझ रहे शहर के लिए पेयजल विभाग और सरकार की ओर से अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है। इन सभी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि इस बार गर्मी में पेयजल की किल्लत ना हो, इसके लिए नलकूपों और ट्यूबवेल के लिए विशेष बजट तैयार किया गया है और दीर्घकालिक योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। हल्द्वानी में पानी की समस्या देखा जाए तो गर्मियां शुरू होते ही लगातार बढ़ गई हैं। ऐसे में उचित पेयजल की बात जिलाधिकारी ने कही है और इसकी जानकारी दी। इसके लिए एक विशेष बजट भी तैयार किया जा रहा है पेयजल की कमी को दूर करने के लिए। पेयजल की किल्लत देखा जाए तो गर्मियां आते ही बढ़ गई हैं, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है और इसी के चलते जिलाधिकारी ने पेयजल पर एक योजना बनाने की बात कही है।